जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जनरल करैक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। द फाइलम प्रोटोजोआ कंप्राइजेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक साइज एनिमल्स एंड यूनिसेलुलर और एनिमल्स। ठीक है, प्रोटोजोआ है सबसे पहले जो वर्ड यूज किया गया था जर्मन जूलॉजिस्ट जॉर्ज ऑगस्ट गोल्फस नामक साइंटिस्ट ने 1817 में इसको यूज़ किया था। विटेकर्स फाइव किंगडम स्कीम के अकॉर्डिंग प्रोटोजन्स हैं, उनको एनिमल से सेपरेट किया गया था और किंगडम प्रोटिस्टा में उनको रखा गया था। प्रोटोजन्स जो होते हैं आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स विच आर मल्टीसेलुलर टिश्यू एनिमल्स और मेटाजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ जो होते हैं उनको डॉबेल ने उनको एसेलुलर एनिमल्स के नाम से जाना था और इसमें युग्लिना को छोड़कर जितने भी प्रोटोजन्स होते हैं वो सभी हेटरोट्रॉफिक टाइप के होते हैं। डुगार्डिन एंड ने इनको राइजोपोडा नाम दिया था। फाइलम प्रोटोजोआ जो है उसमें 50,000 स्पीशीज जो है करीब उनको रखा गया है। प्रोटोजन्स आर फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरमेंट, सम स्पीशीज आर आल्सो फाउंड इन मॉइस्ट सेल एंड सम प्रोटोजन्स आर पैरासाइटिक इन नेचर। अब देखिए इसके प्रोटोजोआ के जो हैं जनरल कैरेक्टर्स हैं कि प्रोटोजोआ में फर्स्ट इज़ द प्रोटोजन्स आर माइक्रोस्कोपिक सिंपल एंड प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। प्रोटोजन्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, सॉलिटरी हो सकते हैं, कॉलोनियल फ्री लिविंग पैरासाइटिक हो सकते हैं, ये बॉडी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हो सकती है, फ्री लिविंग या पैरासाइट हो सकते हैं। यूनिसेलुलर प्रोटोजन्स जो होते हैं नेक्ड होते हैं या कवर्ड बाय पेलिकल होते हैं और कुछ प्रोटोजन्स जो होते हैं उनमें शेल या एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। जिनकी शेल होती है वो जनरली कैलकेरियस होती है या फिर सिलिशियस हो सकती है। माइन्यूट साइज के होते हैं ये। इनमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वरीज फ्रॉम 1 to several। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स जो होते हैं सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया हो सकते हैं। उनमें न्यूट्रिशन जो होता है हेटरोट्रॉफिक टाइप के होते हैं, होलोजोइक होते हैं, सेप्रोजोइक हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिंग हो सकते हैं ये। ठीक है, सम एनिमल्स जो होते हैं इनमें ऑटोट्रॉफिक होलोफाइटिक टाइप के हो सकते हैं, जैसे ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा किया जा सकता है। इनमें गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन जो होता है सिंपल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो होता है इनमें अमोनिया के रूप में पाया जाता है। और प्रोटोजन्स में रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्शुअल और सेक्शुअल टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट हो सकता है। प्रोटोजोआ में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन बाइनरी फिशन के द्वारा या ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल मल्टीपल फिशन के द्वारा हो सकता है। इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन कॉमन टाइप है वो कंजुगेशन है इनके अंदर। और इनमें देखिए कि इसमें फॉसिल्स फॉर्मिनाफोरा सेल्स आर ऑफन एसोशिएट विद पेट्रोलियम बियरिंग फॉर्मेशन। अब हनीबर्ग नामक साइंटिस्ट ने प्रोटोजोआ को जो है लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर 4 क्लासेज में इनको डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्लास राइजोपोडा और सार्कोडिना, सेकंड मेस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा, थर्ड स्पोरोजोआ एंड फोर्थ इज द सीलिएटा। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ओके, ये चार्ट है प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन में। इसमें आप देखिए इसको कि फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइलम। फर्स्ट इज द सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड स्पोरोजोआ, थर्ड निडोस्पोरा, फोर्थ सीलियोफोरा। ओके, फर्स्ट सार्कोमेस्टिगोफोरा इज डिवाइडेड इनटू 3 सुपर क्लास। फर्स्ट क्लास मेस्टिगोफोरा, सेकंड ओपिलिनेटा, थर्ड सार्कोडिन। ओके, अब मेस्टिगोफोरा इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा में 10 ऑर्डर्स रखे गए हैं, जूमेस्टिगोफोरा में 9 ऑर्डर्स रखे गए हैं। ठीक है, सार्कोडिना इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट इज द राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया एंड थर्ड एक्टिनोपोडिया। ओके, राइजोपोडिया को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लेबोसिया, थर्ड फिलोसिया, सेकंड फिलोसिया और थर्ड है ग्रेनुलो रेटिकुलोसिया। ओके, एक्टिनोपोडिया जो है उसको 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया, हेलियोजोइया और फोर्थ इज द प्रोटियोमिक्सिडिया। ओके,
अब देखिए आप, ये तो है, अब है नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा जो है उसको टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टू क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द मिक्सोस्पोरिडिया, फर्स्ट इज़ द मिक्सोस्पोरिडिया एंड सेकेंड इज़ द माइक्रोस्पोरिडिया। ओके, अब इसमें जो है सीलियोफोरा, सीलियोफोरा में सिंगल क्लास है। सीलिएटा, सीलिएटा इज़ डिवाइडेड इनटू फोर सब क्लासेस। फर्स्ट इज़ द होलोट्राइकिया, सेकंड पेरीट्राइकिया, सक्टोरिया एंड स्पायरोट्राइकिया। होलोट्राइकिया में 7 ऑर्डर्स आते हैं, पेरीट्राइकिया में 1 ऑर्डर, सक्टोरिया में 1 ऑर्डर एंड स्पायरोट्राइकिया में 6 ऑर्डर्स जो हैं इसके अंदर रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो है इसका क्लासिफिकेशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप कि आपको इसमें जो है फाइलम प्रोटोजोआ के जो फोर सब में सार्कोमेस्टिगोफोरा, सार्कोमेस्टिगोफोरा का मैंने आपको बताया कि उसको डिवाइड किया गया 3 क्लासेज में, सुपर क्लास में, फिर मेस्टिगोफोरा का 2 क्लासेस में डिवाइड किया, फिर उसमें फाइटोमेस्टिगोफोरा। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये फाइटोमेस्टिगोफोरा है। ओके, इसमें फाइटोमेस्टिगोफोरा में 7 ऑर्डर्स जो हैं रखे गए हैं, उनके नाम और एग्जांपल हैं। ओके, तो ज़ूमेस्टिगोफोरा के इनके, तो ये स्टूडेंट्स ये अपने आउटलाइन चार्ट जो है क्लासिफिकेशन का ये देखा है। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इन डिटेल। ओके।